फरोखकारी मार्केटिंग फरोखकारी की अहमियत जदीद सनती समाजी ढांचा आलमकारी ग्लोबलाइजेशन अशिया का मुबल्लिग मुतबादिल फीचर अल्टरनेटिव और फरहामी जैसे अवामिल आज की दुनिया की तिजारत की तश्कील करते हैं। इस पस मंज़र में तिजारत के लिए फरोखकारी का इंतज़ाम नहायत अहमियत इख्तियार कर गया है। फरोखकारी के ज़रिए मुनज़्ज़म तरीके से तिजारत को फ़रोग दिया जा सकता है। पैदावार को एक ही वक्त में बड़े पैमाने पर तकसीम किया जा सकता है और इसे ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहकों तक पहुँचाया जा सकता है। हर पैदावार की कीमत फ़रोख्त में भी इजाफा हो जाता है। इसी तरह खामी रखने वाला माल बाज़ार से वापस बुलाया जा सकता है। यानी आज के दौर में फरोख्तकारी तिजारती निज़ाम की एक अहम बुनियाद है। गाहक को किसी शय की ज़रूरत का एहसास दिलाने वाले इश्तहारात बड़े पैमाने पर शाये किए जाते हैं। इसके मकसद और ज़्यादा से ज़्यादा गाहकों तक पहुँचाना, उन्हें पैदावार की जानिब मुतवज्जा करना और ख़रीदी के लिए रागिब करना शामिल है। इतलाती टेक्नोलॉजी और ज़राए ब्लाक का फरोखकारी के निज़ाम पर बहुत असर हुआ है। इतलाती टेक्नोलॉजी में इनकलाब की वजह से सारी दुनिया एक बाज़ार बन गई है। इंटरनेट के ज़रिए दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों की मसनूआत के बारे में यानी चीज़ों के बारे में बआसानी मालूमात हासिल हो जाती है, जिसकी वजह से गाहक को कई मुतबादिल ऑप्शंस दस्तियाब हो जाते हैं। इंटरनेट की सहूलत की वजह से ऑनलाइन ट्रेडिंग और ई मार्केटिंग जैसी तकनीकों का इस्तेमाल आम हो गया है। किसी पैदावार के इश्तहार में गलत फरेबकाराना मुबालगा आमेज़ बयानात के ज़रिए गाहकों को धोखा देना, मुकाबिल कंपनियों की खामियां बताना वगैरह की वजह से कई दफ़ा इश्तहारात अपना एतबार खो देते हैं। इसलिए इश्तहारबाजी के दौरान ज़ाब्तों पर अमल करना ज़रूरी होता है। गाहक के लिए भी ऐसे इश्तहारात से मोहतात रहना ज़रूरी होता है। इस मकसद के लिए तहफ़्फ़ुज़े सार्फीन कानून वाज़े किया गया है। गाहकों में अपनी ज़रूरत पहचान कर मसनूआत को बराह रास्त यानी डायरेक्ट कीमत पर ख़रीदने का रुझान ज़रूरी होता है।